आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। जनरली नंबर्स पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम करते आ रहे हैं। हम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या और कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है वो सारी चीज़ें करते हैं। पर बेसिकली जो हम नंबर यूज़ करते हैं, कभी हम नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं, कभी पॉजिटिव नंबर यूज़ करते हैं, कभी हम डेसिमल में नंबर यूज़ करते हैं, कभी फ्रैक्शन में नंबर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम नंबर को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं और किस बेसिस पर हम उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर स्टडी करने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पुट करने हैं। हमने सबसे पहले इसमें नंबर पुट किए सारे पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमने यहाँ पर कुछ बॉल्स डाल दिए। सपोज़ यहाँ पर हम बॉल्स का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ बॉल्स डाल दिए, ये कैसे हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के ये नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, और सारे नंबर कैसे हैं पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई नंबर की कि इसमें क्या है, सिर्फ वे नंबर हैं जो पॉजिटिव भी हैं और प्लस 1 से लेकर हम इन्हें इन्फिनिटी लिया हुआ है। तो ये एक कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन हो गई और इसे हम नंबर की एक कैटेगरी लेते हैं और उस कैटेगरी का हमने नाम दिया हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे, ये नंबर हमें मिलते हैं 1 to infinity सारे पॉजिटिव नंबर। हिंदी में हम इसे प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी नंबर की हमने डिफाइन कर ली नंबर नेचुरल नंबर। अब मान लीजिए ये जो बॉक्स हमने लिया है इसमें हमने एक और बॉल डाला और उस बॉल पर लिखा हुआ है 0, 0 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसे हम नेचुरल नंबर तो नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में ये 0 नहीं आता। अब ये एक दूसरा सेट बन गया। अब इस सेट को हम कहेंगे सेकंड सेट, दैट इज होल नंबर। इसमें हमें नंबर्स मिलते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो सेकंड कैटेगरी नंबर की हमने डिफाइन कर ली होल नंबर। होल नंबर में 0 आ जाता है, हिंदी में इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है और उसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, दैट इज़ होल नंबर। ओके, अब देखिए इस नंबर में पहले हम पॉजिटिव नंबर लिए हैं फिर 0 लिए हैं। अब इसमें अगर हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पर कुछ बॉल्स ऐड किए हैं, हम इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। सपोज़ यहाँ पर जो मैंने ऑरेंज कलर के कलर से बॉल्स यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब इसको हम ना ही नेचुरल नंबर कहेंगे और ना ही होल नंबर कहेंगे क्योंकि इसमें अब नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो जब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे तब ये नंबर की कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, अब इसे हम कहेंगे इंटीजर। इसमें हमें नंबर्स मिलते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, 0, 1 देन अप टू प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स हमें इंटीजर्स में मिलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें सारे नंबर्स इसी तरह से मिलेंगे, कोई भी डेसिमल फॉर्म नहीं मिलेगा, मतलब हमें इसमें 0.1 इस तरह के नंबर नहीं मिलेंगे, ना ही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म मिलेगा। तो इंटीजर्स थर्ड कैटेगरी हैं। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं और 0 भी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद अब मान लीजिए सपोज़ इस नंबर में, इस बॉक्स में हमने कुछ ऐसे बॉल्स फील कर लिए जिसमें हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म मिल रहा है, जैसे 1/2, -3/3 या हमने ले लिया -100 अपॉन
117. तो इस तरह से जब हमें फ्रैक्शन इस सिस्टम में मिल जाएंगे तो ये अब इंटीजर भी नहीं रह गया, क्योंकि इंटीजर में हमें फ्रैक्शन नहीं लेने हैं, तो अब ये इंटीजर भी नहीं रह गया। तो अब हमें एक नंबर की कैटेगरी नई मिल गई जिसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर को इसमें हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर मिलेंगे, पर इंक्लूडिंग हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस के टर्म भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर ये डिफरेंस क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इंटीजर्स में हमें फ्रैक्शन का टर्म नहीं मिलता है, जबकि रैशनल नंबर में हमें फ्रैक्शन का टर्म मिलता है। इसी में रैशनल नंबर का एक जस्ट अपोजिट हम नंबर डिफाइन करते हैं, दैट इज़ नॉन रैशनल नंबर, या हम उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होगा, ये हमने इसे रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं ली हुई है, पर ये क्या है, इसमें हमें नंबर मिल जाएंगे, जैसे पाई हम लेते हैं तो पाई को हम रैशनल नंबर नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लेते हैं माइनस ऑफ अंडर रूट 21, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर में क्या होगा, हमें फ्रैक्शन में टर्म मिलेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स मिलेंगे, एंड इरेशनल नंबर में हमें इस तरह के टर्म्स मिलते हैं। फिर इसके बाद जब हम इसमें डेसिमल्स भी ऐड कर देते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 0.1, 0.123, 0.11, 1.21, इस तरह के जब हम डेसिमल नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें एक नया सिस्टम मिलता है, दैट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक मिलेगा, पर इसमें हमें फ्रैक्शन में भी नंबर मिलते हैं और साथ ही हमें यहाँ पर डेसिमल्स के फॉर्म पे भी नंबर्स मिलते हैं। तो रियल नंबर और रैशनल नंबर एंड इंटीजर्स, इसमें हम तीनों में लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर्स हैं, पर जो तीनों का मेजर डिफरेंस है वो आप याद रखिएगा। इंटीजर्स में हमें सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सिर्फ नंबर्स लेने हैं, ना ही उसमें डेसिमल मिलेगा ना ही उसमें फ्रैक्शन मिलेगा। फिर रैशनल नंबर में हमें फ्रैक्शंस कंसिडर करने हैं, और रियल नंबर में हमें फ्रैक्शन प्लस डेसिमल दोनों ही मिलेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ओके, तो इस तरह से ये बेसिक नंबर के टाइप हम डिफाइन करते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको एक रियल नंबर का टाइप तो बता दिया, अब इसका जस्ट अपोजिट अगर हम डिफाइन करना चाहें अनरियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, जो रियल ना हो। पर रियल नंबर में तो सारी कैटेगरी आ गई, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी हमें मिल रहा है, ज़ीरो भी इसमें मिल रहा है, हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म पे भी मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमें डेसिमल के फॉर्म में भी नंबर्स मिल रहे हैं। तो जब रियल नंबर में सारे नंबर्स की कैटेगरीज हमें मिल गई, तो अनरियल नंबर क्या होगा। तो अनरियल नंबर के लिए एक एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अंडर रूट माइनस वन, तो क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। हमें पता है कि अंडर रूट वन अगर हम लिखेंगे तो ये हमें वन के ही इक्वल मिलेगा, अंडर रूट फोर लिखते हैं तो ये हमें टू के इक्वल मिलेगा, पर अगर हम इसी को नेगेटिव के फॉर्म पे ले लें, अगर मैं इसे ले लूँ माइनस अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस फोर, तो क्या हम इसे डायरेक्टली टू लिख सकते हैं। तो आंसर है नो, हम इसे नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हमने नंबर की एक थर्ड कैटेगरी बनाई, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। तो जो यहाँ पर मैंने अनरियल लिखा है, इसके हम अनरियल ना कह के इसके लिए एक नाम डिसाइड किया गया है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये नंबर होते नहीं है, इसे इमेजिन किया जाता है। तो उसी तरह से इमेजिनरी नंबर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। और इमेजिनरी नंबर की क्वालिटी है कि जब भी हम इस नंबर को लिखेंगे उसके साथ हमें आई लगाकर लिखना है। जैसे मैं लिखूं 2i, तो ये एक इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करेगा। अगर हम लिखते हैं 5 अपॉन i,
तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है. ओके तो इस तरह से हम एक नंबर की सेवेंथ कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर. ओके इमेजिनरी नंबर हमारे कोर्स में अभी नहीं है, तो हम चाहें तो उसे स्टडी करें या उसे छोड़ सकते हैं, पर नंबर्स के टाइप जब हम स्टडी करेंगे तब हमें इमेजिनरी नंबर को कंसीडर करना है. ओके तो सबसे पहले देखिए, हम एक बार रिवाइज करते हैं. जब नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो हमें उसमें वन से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स मिलेंगे. जब हम होल नंबर की बात करेंगे तो हमें उसमें ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर मिलेंगे. मतलब नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो ऐड हो जाएगा तब वो होल नंबर बन जाएगा. इंटीजर्स की जब हम बात करेंगे तब इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स मिलेंगे, पर इसमें हमें ना ही फ्रैक्शन का टर्म मिलेगा और ना ही हमें उसमें डेसिमल का टर्म्स मिलेंगे. रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस मिलेंगे. फिर इरेशनल नंबर, ये जो कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स होंगे उसे हम इरेशनल नंबर लेंगे. फिर है इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर. रियल नंबर में हमें ये सारे नंबर्स मिलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ऑल. और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिसे हम इमेजिन करेंगे. इमेजिनरी नंबर को आप याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर में आई लिखा हुआ है दैट मीन्स वो इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है. ओके इसे मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ. मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है और इसमें सभी तरह के नंबर्स भरे हुए हैं. अगर हम इसे लिख लेते हैं 1 to infinity, 0 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. जैसे मान लीजिए यहाँ पर सभी नंबर्स हमने लिख लिए. अब इसमें से अगर एक एक कैटेगरी को रब करते जाएं, अभी ये जो सिस्टम हमें मिल रहा है ये हमें मिल रहा है रियल नंबर का सिस्टम. रियल नंबर के सिस्टम में हमें सभी तरह के नंबर्स मिल रहे हैं. अब अगर हम इसमें से एक एक कैटेगरी समाप्त करते जाएं, हटाते जाएं, मान लीजिए हमने यहाँ से डेसिमल हटा दिया, तो जब डेसिमल हट जाएगा तो इसमें वन से लेके मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस, तो अब ये रियल नंबर नहीं कहलाएगा. अब ये जो बॉक्स है इसमें जितने नंबर्स हैं उसके बेसिस पर हम इसे कौन सा नंबर कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर. ओके फिर उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ से इस फ्रैक्शन को हटा दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म को कंप्लीट हटा दिया, तो अब यहाँ पर बच गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, जो हमें क्या बताता है, इंटीजर्स. तो अब जो सेट बचेंगे दैट इज़ इंटीजर्स. अब मान लीजिए हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक को भी हटाते हैं, अब यहाँ से क्या बच गया, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर. तो जब किसी भी नंबर सिस्टम में हमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स मिलते हैं दैट मीन्स वो नंबर सिस्टम क्या है, होल नंबर सिस्टम. अब अगर हम यहाँ से ज़ीरो को भी हटा देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा वन से लेकर इन्फिनिटी, एंड वन से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर. तो जब हमें सारे नंबर्स मिल रहे हैं उनमें से हमने एक एक कैटेगरी हटाते गए तो हमें एक एक नंबर सिस्टम चेंज मिलता गया. तो इस तरह से सारे नंबर सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड हैं, हमें बस उन्हें डिफरेंशिएट करना है कि किस तरह से हम उसे बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से हम नंबर को डिफरेंट टाइप से अरेंज करते हैं. अभी हमने बेसिकली नंबर के टाइप्स देखे हैं, अब अगर हम नेचुरल नंबर को भी कई टाइप से डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरह से करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं. तो यहाँ पर नंबर, सबसे पहले हमें सभी तरह के नंबर्स मिलेंगे. इस नंबर में से हम दो कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. अब जो इमेजिनरी नंबर भी मैंने आपको बताया है, रियल नंबर भी मैंने आपको बताया है. रियल नंबर में हमने पढ़ा है कि हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स मिलते हैं और इसमें हमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स हमें यहाँ पर रियल नंबर में मिलेंगे. केवल हमें वो पार्ट नहीं मिलेगा जिसमें आई का टर्म आता है.
और आई का टर्म आता है इमेजिनरी नंबर में, इसलिए नंबर को दो टाइप से बांट दिया गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में हमें आई का टर्म मिलेगा, जैसे अगर हम माइनस अंडर रूट माइनस वन देखें तो इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर हम इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब किस तरह से हम उनकी वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम आगे से स्टडी करेंगे। हमारे 9th क्लास के सिलेबस में इमेजिनरी नंबर का पार्ट नहीं है, ये हम जनरली 11th क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हो गया रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, नंबर के दो टाइप। अब आगे जाकर जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तब हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम कोई भी लिखेंगे तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कहलाता है रियल पार्ट, सेकेंड पार्ट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2+i, इसमें जिस पार्ट में दो टर्म हैं, दोनों एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो जिस पार्ट में i का टर्म रहेगा उसे हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, एंड जिस पार्ट में i का टर्म नहीं रहेगा जो सिंपली लिखा होगा उसे हम कहेंगे रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी और रियल दोनों ही टर्म्स हमें मिलते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर हमें a प्लस आई बी के फॉर्म पे मिलता है, यहाँ पर a रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है और b जिसमें i का टर्म जुड़ा हुआ है ये इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये होगा जब हम रियल और इमेजिनरी को एक साथ लिखेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। फिर रियल नंबर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में ले सकते हैं। अभी रियल नंबर में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स, प्लस रियल नंबर में हमें फ्रैक्शंस भी मिल रहे हैं, रियल नंबर में हमें डेसिमल पार्ट भी मिल रहे हैं। अगर हम इसमें से डेसिमल पार्ट को हटा दें और हमें नंबर मिले माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और केवल इसमें हमें फ्रैक्शन के टर्म्स मिले, हमें डेसिमल का फॉर्म ना मिले, तो वो टर्म कहलाता है, वो टाइप कहलाता है रैशनल नंबर। और इसी तरह से रियल नंबर की एक और कैटेगरी है इरेशनल नंबर, जैसे पाई रूट टू, इसे हम रैशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसके बाद रैशनल नंबर भी हम समझ गए, रैशनल नंबर को आगे जाकर दो पार्ट में ले लेते हैं। अभी देखिए रैशनल नंबर में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर हैं और इसमें हमने फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड किया है। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के पार्ट को लें और उसमें से फ्रैक्शन पार्ट को हटा दें, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हमने अलग ले लिया और ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग ले लिया, तो हमें रैशनल नंबर की दो कैटेगरी मिल गई। एक कैटेगरी कहला रही है इंटीजर्स एंड सेकेंड कैटेगरी इज फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स में हमें केवल नंबर्स मिलेंगे जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। और फ्रैक्शंस में हमें फ्रैक्शंस के टर्म मिलेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे। इंटीजर्स को दो कैटेगरी में कर दिया गया, नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर में सारे नेगेटिव पार्ट को ले लिए गए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने ज़ीरो नहीं लिया है। फिर सेकेंड कैटेगरी है इसकी होल नंबर, होल नंबर में जीरो से लेकर जीरो वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी हमें लेनी है। फिर होल नंबर के इस सेट से हम अगर जीरो को ही अलग कर दें, केवल जीरो को हम अलग ले लें, तो कौन से नंबर्स बच जाएंगे, वन टू इन्फिनिटी, एंड वन टू इन्फिनिटी हमें पता है दैट इज़ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर से इस जीरो को अलग कर दिया गया तो हमें मिल गया नेचुरल नंबर का सेट, जिसमें वन से इन्फिनिटी तक के नंबर्स बिलोंग करेंगे, जिसे हमें मेनली स्टडी करना है। अभी तक तो हमने सारे टॉपिक्स देख लिए, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें हमें ये सारे टाइप के नंबर्स लेने हैं। नेचुरल नंबर जो है इसे हम कई तरह के नंबर्स में डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, फर्स्ट इज़ प्राइम नंबर, सेकेंड इज़ कंपोजिट नंबर, थर्ड इज़ इवन नंबर, एंड फोर्थ इज़ ऑड नंबर, एंड फिफ्थ इज़ परफेक्ट नंबर।
तो ये जो 5 कैटेगरीज मैंने लिखी हुई है नेचुरल नंबर की, ये क्या क्या होती हैं ये मैं आपको एक बार बताती हूँ. फर्स्ट है प्राइम नंबर. यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं. प्राइम नंबर क्या होता है? जब हम किसी नंबर को देखते हैं तो हम नंबर को दो कैटेगरी में मेनली देख सकते हैं. वे नंबर्स जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, केवल वन से या खुद से डिवाइड होते हैं, वो नंबर जो केवल वन से या खुद से डिवाइड होते हैं, और सेकेंड कैटेगरी जो वन और खुद को छोड़कर कई नंबर से डिफाइन होते हैं डिवाइड होते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ 17, तो 17 को हम या तो 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं. पर अगर मैं आपको कहूँ 16, तो 16 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये नंबर की दो कैटेगरीज हो गई. तो इन्हीं दो कैटेगरीज को दो नाम दिया गया है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से या वन से ही डिवाइड होते हैं. जैसे अगर हम लिखते हैं 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह के नंबर्स अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये हमें सारे नंबर्स प्राइम नंबर में मिलेंगे. ओके. और सेकेंड है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो वन को और स्वयं को छोड़ कर के दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा. जैसे हम लिखें इसका एग्जांपल 10, 12, 15, 18 एक्सेट्रा. ओके. फिर है थर्ड कैटेगरी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर. इवन नंबर और ऑड नंबर आपको पता है. इवन नंबर को हम लेते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, उन नंबर्स को हम इवन नंबर लेते हैं, और जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता उसे हम ऑड नंबर लेते हैं. तो इवन नंबर्स में हमें मिल जाएंगे 2, 4, 6, 8, और ऑड नंबर्स में हमें मिल जाएगा 1, 3, 5, 7, 11, इस तरह के नंबर्स. तो नेचुरल नंबर के ये 4 टाइप हमने स्टडी कर लिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर. ओके. इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फिफ्थ टाइप डिफाइन किया है, दैट इज़ परफेक्ट नंबर. ये आपके लिए वर्ड नया होगा. तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए, परफेक्ट नंबर हमें हम नंबर की उस कैटेगरी को लेते हैं जब हम किसी नंबर्स के डिविज़र्स अलग कर लें और फिर उन सभी डिविज़र्स को ऐड करें तो हमें उसी नंबर के इक्वल ये मिलना चाहिए. एक एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के डिविज़र्स क्या क्या हैं? 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, एंड 6 से ही डिवाइड होता है. तो जब हम इसके सारे डिविज़र्स को अलग कर लें और उन डिविज़र्स को ऐड करें एक्सेप्ट इस नंबर को, हमें उसी नंबर को नहीं लेना है क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी नंबर खुद से डिवाइड होता है. तो इसको छोड़कर बाकी जो नंबर्स हैं अगर हम उन्हें ऐड करें 1 + 2 + 3, तो ये हमें 6 के इक्वल मिल गया. तो जब कोई ऐसा नंबर हम डिफाइन करें जिसके डिविज़र्स को हम ऐड करें तो हमें उस नंबर के इक्वल ही मिले, उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, 28. 28 के डिविज़र्स क्या क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डिविज़र 1, सेकेंड 2, फिर ये 4 से भी डिवाइड होगा, देन 7, देन 14, और उसके बाद 28. ये सभी 28 के डिविज़र्स हैं. अब हम इन्हें ऐड करते हैं. ध्यान दीजिएगा, हमें इस 28 को नहीं लेना है. तो जब हम इन्हें ऐड करें 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इन्हें ऐड करते हैं तो देखिए 14 + 4 = 18 + 2 = 20 and 20 + 7 = 27 + 1 = 28. तो ये हमें 28 के इक्वल मिल गया. इसी तरह के कुछ और नंबर्स हैं, जैसे 496. इसके भी जब हम डिविज़र्स ले लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे तो हमें उसी नंबर के इक्वल मिलता है. तो ये नंबर कहलाता है परफेक्ट नंबर. तो ये रियल नंबर का ही एक पार्ट है. तो रियल नंबर के जो 5 टाइप हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड परफेक्ट नंबर, ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा.
परफेक्ट नंबर याद रखिएगा, हमें किसी नंबर के सारे डिविजर्स लेने हैं और उन्हें ऐड करने हैं। जब वो उसी नंबर के इक्वल मिलेगा तभी वो परफेक्ट नंबर होगा। आप दूसरे नंबर ट्राई करके देख सकते हैं, हमें वो इक्वल नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें 20, तो 21 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से, 5 से एंड 10 से एंड 20 से, इन सभी नंबर से ये डिवाइड होगा। ओके, ऐड करके देखिए, 20 को छोड़कर 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 20 22, ये हमें इन सभी का एडिशन मिल रहा है 22, तो ये इस नंबर के इक्वल नहीं है। तो ये 20 परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर हम उसी को लेंगे जिसके सभी डिविजर्स का सम हमें उसी नंबर के इक्वल मिलेगा। ओके, अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहिए इन नंबर्स को तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिया है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर हमें दो नंबर मिलते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, पाई, इस तरह के नंबर्स इरैशनल नंबर हो जाएंगे। रैशनल नंबर क्या होगा, जिसमें हमें नेगेटिव भी नंबर्स मिलेगा, पॉजिटिव में भी नंबर्स मिलेगा और हमें फ्रैक्शंस में भी नंबर मिलेगा, हमें डेसिमल का पार्ट नहीं मिलेगा। तो इस पार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जो पार्ट है रियल नंबर का, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स तो हैं, प्लस इसमें फ्रैक्शन का भी पार्ट है, प्लस इसमें डेसिमल के भी पार्ट हैं। और जब रैशनल नंबर में हम आ जाएंगे तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स आएंगे और फ्रैक्शंस आएंगे, और इसमें ये डिविजर का डेसिमल का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, इस पार्ट में, दैट इज़ रैशनल नंबर। अब ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट रैशनल नंबर का है। अब इस रैशनल नंबर में से अगर हम इस डेसिमल पार्ट को हटा दें तो हमें एक नई कैटेगरी मिल जाएगी, इंटीजर। तो ये जो इंटीजर है इसमें हमें मिलेगा नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये डेसिमल का पार्ट हट गया। अब यहाँ से लेकर ये कंप्लीट पार्ट इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स में से अगर हम नेगेटिव नंबर को अलग कर दें और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर ले लें तो वो नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर। और होल नंबर के अंदर अगर हम जीरो को अलग कर दें हमें नंबर मिल जाएगा वन से लेकर इन्फिनिटी तक, और वन से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर। आपने अभी इस तरह के डायग्राम के फॉर्म नहीं पढ़े होंगे। जब हमें किसी भी नंबर्स को, इसे हम जनरली सेट से भी इंडिकेट करते हैं, जब हम कोई एक बंच बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 बॉल्स हैं, हमने उसे एक साथ कर लिया, तब हम उसे एक सेट कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर नंबर्स के सेट हैं, कुछ सेट ऐसे हैं जो एक दूसरे के अंदर बिलोंग करते हैं, मतलब रियल नंबर के अंदर हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, रैशनल नंबर के अंदर हमें इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो अगर हम पूछें कि क्या इंटीजर रियल नंबर के अंदर है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि इंटीजर्स इस रियल नंबर के अंदर हमें मिल रहे हैं। पर अगर हम कहें कि इंटीजर्स इरेशनल नंबर के अंदर है तो वो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इरेशनल नंबर कम्प्लीटली अलग है। अब होल नंबर जो है वो इंटीजर्स के अंदर है और नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर है, तो हम कहेंगे कि रॉन्ग, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, हमें यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमसे पूछा गया है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन है, हमें इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो देखिए, सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, सॉरी, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखिए, ये कैटेगरी जो है ये होल नंबर की कैटेगरी है, इसके अंदर जो जितने भी नंबर आएंगे वो होल नंबर है। फिर हमने यहाँ पर एक नई कैटेगरी बना दी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर तो आ रहा है, पर इस पार्ट में जितने भी नंबर्स हैं
वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। और कौन सा नंबर जो ऐसा है जो होल नंबर में तो है पर नेचुरल नंबर में नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो। यहाँ पर नेचुरल नंबर में हमें ज़ीरो नहीं मिलता है पर होल नंबर में वो मिलता है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओके, इसी में सेकंड पूछा गया है, एवरी इंटीजर इज़ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? तो देखिए, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, ये कथन, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि देखिए जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इस इंटीजर में जितने भी पार्ट हैं वो सभी रैशनल नंबर में बिलोंग करेंगे, तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ट्रू है। इसके बाद है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, इसका जस्ट अपोजिट एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो रैशनल नंबर में जो ये पार्ट है ये इस इंटीजर के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। इस पार्ट में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो रैशनल नंबर इंटीजर हैं पर इस पार्ट में जो है वो इंटीजर्स नहीं हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में आएंगे, हमें बताना होगा कि कौन से नंबर किस पार्ट के अंदर आते हैं। तो आप ये डायग्राम याद रखिएगा, इस डायग्राम के थ्रू हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर्स के कुछ नोटेशंस हम यूज़ करते हैं, मतलब जो इतने तरह के नंबर हमने पढ़े, रियल नंबर और इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सभी के लिए एक नोटेशन बनाया गया जिसे हम इन शॉर्ट लिखते हैं। तो उन नोटेशंस क्या क्या है, देखिए, नेचुरल नंबर के लिए एन नोटेशन यूज़ किया जाता है। तो जब कहीं पर भी अगर एन लिखा हो, दिस नंबर इज़ एन, तो हमें ये समझ जाना है कि वो नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से होल नंबर के लिए इसके फर्स्ट लेटर को यूज़ किया गया, दैट इज़ डब्लू, और इंटीजर्स का नोटेशन है जेड। जेड हमें इंडिकेट करता है कि वो इंटीजर्स का सेट है। इसी तरह से रियल नंबर को हम आर से इंडिकेट करते हैं, इवन नंबर को ई से, ऑड नंबर को ओ से, एंड रैशनल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं क्यू से। तो आप रियल नंबर के आर और रैशनल नंबर के क्यू में ये ध्यान दीजिएगा कि रियल नंबर के लिए इसका फर्स्ट लेटर यूज़ किया गया है आर, पर रैशनल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं क्यू, दैट इज़ कोशेंट। रैशनल नंबर हमें मिलता है कोशेंट के टर्म में, तो इसे इंडिकेट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो ये नोटेशंस आप याद रखिएगा क्योंकि हमें मेनली इसे यूज़ करना है। तो इस तरह से हम सारे नंबर सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, फिर उसके बाद हम नंबर की एक एक कैटेगरी को लेकर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेनली इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आज हमने बेसिकली नंबर के टाइप देखे, अब इनके टाइप को हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पहले तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद स्टडी करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में।